कल यानी 13 नवंबर 2024 को बिहार विधानसभा के 4 सीट तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज पर मतदान होने वाला है, जिसमें एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी के साथ साथ जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। आज राजद के प्रवक्ता अरुण यादव ने केबीसी न्यूज को बताया है कि चारों सीटों पर अपनी जीत पक्की होगी। देखिए पटना से संवाददाता अमलेश आनंद की राजद प्रवक्ता से बातचीत का ये अंश। चूंकि कल मतदान है, 13 तारीख है कल, और उपचुनाव जो बिहार में चल रहा है उसका कल पहला मतदान होगा, एक ही मतदान होगा एक ही दिन, और इसका रिजल्ट आएगा 23 तारीख को। चूंकि राजनीतिक कुनवे में यहाँ जो दिग्गज पार्टी है आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए का लीजिए वो और महागठबंधन के बीच लड़ाई है। हमारे साथ प्रवक्ता है अरुण यादव जी, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बार क्या लग रहा है, चार सीट पर एको को ला पाइएगा? चार पर कहीं कोई लड़ाई में है ही नहीं। तेजस्वी यादव जी का लहर है, तेजस्वी यादव जी का लहर, उस लहर में एनडीए कहीं कोई है ही नहीं, आता पता नहीं है। सुनते हैं लालू जी गए थे वहाँ, लालू जी तेजस्वी जी, और उन्होंने वहाँ जा कर के पब्लिक जो कह रहे हैं कि माहौल को थोड़ा सा बिगाड़ने का काम किया है एनडीए के माहौल को, क्या लगता है कि इतनी ताकतवर एनडीए वहाँ पैठ बनाई है आप? अरे बेफालतू बातें आप कर रहे हैं भाई, एनडीए तो कहीं है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, माहौल कहाँ देख लिए भाई, इतिहास पर भी, इतिहास पर भी थोड़ा नज़र डालिए, कभी नहीं रहा है और नहीं है। और चारों सीट पर वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि पुनः महागठबंधन के झोली में सीट देने को, चूंकि हमारे आदरणीय नेता जनता की राजनीति करते, जन सरोकार की राजनीति करते, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, उस सवाल को लेकर राजनीति करते, वहीं सरकार में बैठे लोग बताए, जनता तो पूछ रही है, खदेड़ रही है। इमामगंज की स्थिति क्या लग रही है अरुण जी? इमामगंज में चूंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री के बहू वहां से खड़ी हुई है, उसमें क्या लग रहा है आरजेडी को पनपने का? आरजेडी वहां चुनाव जीत रही है भाई, पक्का पक्का। ये कैसे, कितना इतना विश्वास कैसे? यही ड्यूल पॉलिटिक्स, मांझी जी से त्रस्त है, अपने बेटा बहू समधन पुतहू इसको लेकर के। अरे और क्या किया, बेटा मिनिस्टर सरकार में, अपनी केंद्र सरकार में, डबल इंजन की सरकार, जनता तो पूछ रही है, तो परिवार की बात कर रहे हैं। अरे डेवलपमेंट, चलिए ना मूल मुद्दा डेवलपमेंट, विकास के नाम पर जीरो, जनता को क्या मिला? जनता में भारी आक्रोश है। हमें तो लगता है उनकी जमानत बचेगी कि नहीं बचेगी, उनकी बहू की विकास, वो हालात विकास के नाम पे आप जीरो की बात कर रहे हैं। अशोक चौधरी एक दिन वहाँ गए थे जनसभा करने, उन्होंने तो कहा कि आरजेडी वाले लोग, भाई भतीजे सब ने टेंडर उठाया लेकिन आज तक कोई विकास नहीं किया है, तो विकास आपकी ही पार्टी के नेता कहाँ कर रहे हैं? 20 साल से सरकार में, 17 साल 18 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार में बैठ के मलाई खा रहे हैं, बताना चाहिए, हिसाब देना चाहिए ना। पिछले ही दिनों आया है नीति आयोग का रिपोर्ट, नीति आयोग तो राष्ट्रीय जनता दल का आयोग नहीं है ना, ये तो सरकार का ही है ना। क्या कहा बिहार के संदर्भ में, स्पष्ट, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, पलायन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, महंगाई के मामले में, हर मामले में बिहार देश में अंतिम पैदान पे खड़ी है। पढ़ना चाहिए ना सरकार में बैठे लोगों को। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने 17 माह के सेवा काल में महागठबंधन सरकार में करके दिखाया, अपने संकल्प अनुरूप, अपने घोषणा अनुरूप, अपने वादे अनुरूप 5 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने का काम किया, हर वर्ग के नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया, जाति आधारित गन्ना कराकर दलितों के लिए,
आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया, 65% करने का काम किया, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, मेडल लाओ, नौकरी पाओ, टूरिज्म पॉलिसी, मानदेय दुगुना किया, कहने की बात है क्या? बताए ना, हम तो बार बार पूछते हैं, राष्ट्रीय जनता दल पूछती है, 17 माह बनाम 17 साल का हिसाब दो भाई, देते क्यों नहीं हो? 17 माह की जो आप लोग माला जप रहे हैं उसमें तो नीतीश कुमार के बड़े नेता कहते हैं कि सब किया हुआ मुख्यमंत्री का होता है, वो तो हमारे असिस्टेंट थे, तो वो नाम मुख्यमंत्री का होगा कि उनका होगा? ठीक है, मैं मानता हूँ, मान लीजिए अभी भी तो उनकी सरकार है 10 महीने से, ये बात पाइपलाइन में 3 लाख नौकरियां छोड़कर आए हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? दे दो ना भाई, यही तो सवाल करते हैं, इधर उधर की बात करने से क्या फायदा, तो मुद्दों की बात करें ना कि आप अपनी गुणवत्ता तो दिखाएं। नहीं नहीं, गुणवत्ता इसीलिए बिहार की जनता कह रही है, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, वोट का मतलब, वोट का मतलब तेजस्वी यादव। लेकिन पब्लिक जो कहती है, जैसे हमने तरारी गया था, लेकिन तरारी में माले और इसके बीच तो टक्कर है, लेकिन वहाँ की पब्लिक भी ये कही कि खौफ के साए में कुछ लोग वोटिंग करेगा, ये क्लियर नहीं किया। अब वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं जो कि माफिया है, उनके खौफ है या किसका खौफ है? आप लोग के लोगों के से तो इस तरह की बात नहीं, वही माले यहाँ गया में भी ये बात हो रही है। देखिए, सरकार से लोग त्रस्त है और सरकार के जनप्रतिनिधियों को जो उनके उम्मीदवार हैं वहाँ उसको वोट की चोट से चारों जगह मुँह तोड़ जवाब देगी, छटपटाएगी, चिंता मत करिए, चारों जगह महागठबंधन के उम्मीदवार ऐतिहासिक मतों से विजयी हो रहे हैं। चलिए, ये बात याद रखेंगे हम लोग जब रिजल्ट आएगा, और अरुण जी से उस दिन फिर से पूछेंगे, और अरुण जी के बाद विश्वास और इनका जो प्रिडिक्शन है वो कितना कामयाब हो पाता है, ये 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा मतगणना के बाद, तब ये पता चलेगा। बने रहिए KBC न्यूज़ के साथ, अमलेश आनंद, KBC न्यूज़ पटना।